सलाम ने सानू ओहदा तलब करन तो मना फरमाया है। हुज़ूर आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तसअलुल इमारता ऐ कुअतीता अम मसअलातिन वकीलता इलैहा। बुखारी शरीफ के हिस्से पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो ओहदा है वो तलब ना कीता करो, अगर द्वाड़ी तलब ते द्वानू ओहदा मिल गया अता कर दिता गया तो फिर अल्लाह ताला द्वानू द्वाडे ओहदे दे सपुर्द कर देगा, फिर अल्लाह द्वाडा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अमूमन हमारे यहाँ यही है कि जो कोई भी जित जाता है कोई हुकूमत आ जाती है तो फिर वो ये कहते हैं कि सानू अल्लाह ने हुकूमत दी तो असी हाकम बने तो हम असी जो मर्जी करते रखिए सानू कोई कुछ दसरा नहीं है। तो अब बड़े लोग परेशान भी हो जाते हैं कि यार अगर अल्लाह ही बादशाही देने वाला है अल्लाह ही लैन वाला है और कुरान पाक कहेगा तू दिल मुल्क का मंदशा व तंजुल मुल्क का भी मंदशा बलाइया ने अल्लाह हर शायद कादर है। तो फिर एडे जालम फाजर जेडे फासक ने यह हुकूमत इन्होंने मिल किवें जाती है, अगर इन्होंने हुकूमत मिल गई है तो ये जो आवाम ने इन्ना जुलम करते हैं तो इन्होंने हुकूमत इन्होंने को जाती क्यों नहीं, अल्लाह इन्होंने पुछता क्यों नहीं, इन्हें अल्लाह का आदाब क्यों नहीं आता। उसकी वजह यह होती है कि अल्लाह ने उन्होंने उस चीज से छोड़ दिता होता है। अल्लाह फरमाता है कि तुसा मेरे को हुकूमत मंगी है उहदा मंगिया मैं तुहानू दे दिता है हुण तुसी जा रहे हो और ये जा रहे हैं, लेकिन यह इत्थों तक ही है, बहुत जल्द तुसा मेरे को आओगे और फिर मैं तुहाडे को हिसाब लाकर फकी कीता है। इस वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह दे करू ओहदा मंगना नहीं, अगर अता कर दे तो फिर जो अल्लाह ओहदा अता करता है तो फिर अल्लाह उस ओहदे नूं पूरा करने की हिम्मत और तौफीक भी अता करता है। और हुजूर आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो नौजवान आए, अर्ज करते ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानू किरे आदमीयत ही दियो चा, उस वक्त हाकम बनाए जाते सन वली बनाए जाते सन, अर्थ कहते हैं हजूर सानू कोई हाकम भी बना दो किसी इलाके का किसी जगह का। आका ने सलाम सलाम ने फरमाया इन्ना वल्लाहे ना लान वल्ली अला हादल अमले आहदन सआलहु वला आहदन हरस अलैही। और ये मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है 1733 नंबर हिस्सा। आका ने सलाम सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा साढ़े को आके ओहदा मंगे असी उन्हों भी अहदा नहीं देंगे, जिंदे दिल में अहदे का लालच हो असी उन्हों भी अहदा नहीं देंगे। तो अहदा मनसब जरा है फरमाया असा उन्हों देने जो उसके लायक हो गए। और हुज़ूर आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो लोग अन्नकुम सतहरुसूना अलल इमारते वासा तकूनु नदामतन यौमल क़ियामत। अगर इस्लाम सलाम ने फरमाया कि वो लोग जेड़े ओहदियां दी तलब रखते ने हिरस रखते ने चाहते ने कयामत वाले दिन वो उन्हां ओहदियां दी वजह तों ही नदामत का शिकार होणगे, रोणगे पुकारणगे चीखणगे कि असां ओहदे क्यों लै और असीं इन्ने जुलम क्यों कर बैठे, लेकिन उस वक्त माफ़ी का दिन नहीं कयामत जो है वो हिसाब का दिन होना है।